हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, जिसका इंतज़ार था वो समाप्त हो गया है। आरआरबी बिलासपुर का प्रोविजनल पैनल आईटीआई टेक्नीशियन का 1 और एलपी का भी आ चुका है, लेकिन यहाँ 2 बिग अपडेट है जिसके लिए कुछ दिन पहले एक हुआ था कि एलपी रीमेडिकल को टेक्नीशियन नहीं मिलेगा, यहाँ मिला हुआ है। हालांकि पोस्ट प्रायोरिटी अभी क्लियर नहीं है, जिसके कारण से हम नहीं कह सकते कि क्या पोस्ट प्रायोरिटी था, लेकिन एलपी मेडिकल के लिए री अपील हुई थी, जिसकी वीडियो भी बनी थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी था और कोई लोग बूढ़ा भी बोला था। हालांकि उस कैंडिडेट को टेक्नीशियन मिला हुआ है, अभी यही अपडेट है। उसके बाद ये भी देखेंगे कहाँ मिला है। दूसरा कैंडिडेट का रिवाइज रिजल्ट आया है 50 कैंडिडेट का, जिसको बोला गया है कि हायर पोस्ट प्रायोरिटी आपको दिया गया है, आपने जो मांगा है वो पहले हायर पोस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, ये रूल भी ऐसा ही कहता है। बाकी अगर टेक्नीशियन मिला है तो चलिए बधाई, और हो सकता है आरआरबी के अपडेट में कुछ मेरी तरफ से कमी रह गई होगी, लेकिन रूल तो यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा फिर से कर रहा है कि हायर पोस्ट प्रायोरिटी को अगर सबको मिल रहा है तो लोअर कैसे मिल सकता है। तो सवाल उठेगा, सबका जवाब होगा जब ऑफिशियल आएगा, उसको भी देखा जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर आप इस कैंडिडेट जिनको अगर मिला है तो पोस्ट प्रायोरिटी प्लीज़ शेयर करिएगा ज़रूर, जिससे ये क्लियर हो जाए कि एलपी री मेडिकल यानी एलपी प्रायोरिटी क्लियर होने के बाद टेक्नीशियन ऑफिशियल मिला या नहीं मिला। तो चलिए, हालांकि जनरली सिलेक्शन होने के बाद कोई शेयर नहीं करता, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है। आपका कट ऑफ दिया हुआ है नॉर्मल कैंडिडेट का, कट ऑफ पीडब्ल्यूडी का है, एक सर्विसमैन का है, और 16 तारीख आज भी है। लेकिन सबसे पहला अपडेट है प्रोविजनल पैनल एलपी और टेक्नीशियन। ध्यान रहे कि पहला पैनल जो दिया गया था उसको ओवरलैप करके इस पैनल में सब लोग को शामिल किया गया है, और टोटल कैंडिडेट इस पैनल में देखेंगे तो डेट इन्होंने दिया है 13 से लेकर 16, डबल डेट है इसमें, आप ध्यान से देखिएगा, 13-12, 16-12 दोनों है, जिसमें एलपी का आपका देखेंगे तो एलपी और टेक्नीशियन दोनों का है। साथ में कहा गया है कि एलपी का 2 पैनल है, टेक्नीशियन का वो ही हो सकता है। साथ में ये भी और डिटेल में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने इतने दिनों में बुलाया गया था, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद पहले पैनल भी एक आ चुका था, उसके बाद भी 683 कैंडिडेट यहाँ पे दिखा रहा है, 683 को रिकमेंडेड किया गया था, बच गए थे, 873 का पैनल आया हुआ था, ध्यान रहे, उसमें से 683 को रिकमेंड कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है, फिर कह रहा है कि एज पर कार्डियल प्रिंसिपल पार्ट 1 विड्रॉन पब्लिशन कंसीडरिंग हायर मेरिट हायर ऑप्शन रेलवे, आउट ऑफ 873 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट को हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, 50 कैंडिडेट को हम इसमें से चेंज किए हैं, और सेकंड चॉइस ऑफ रेलवे पहले दिए थे, अब फर्स्ट चॉइस दे दिए हैं। ध्यान से एक बार और देख लिया जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, 50 कैंडिडेट अलॉटेड देयर सेकंड चॉइस रेलवे इंस्टेड ऑफ देयर फर्स्ट चॉइस। तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि फर्स्ट चॉइस इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, अगर कोई सीट कहीं बच जाती है तो रेयर केस को हम अपवाद बोलते हैं। हर बार पोस्ट अलॉटमेंट फर्स्ट चॉइस को ही देखा जाता है, फर्स्ट चॉइस आपका मेन होगा, बाकी जो बचता है अगर कोई सीट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, वैसे सीटों की कैंडिडेट पे हो सकता है किसी मेडिकल फेल वाले या टेक्नीशियन को भी दे दिया जाए, इसे बोलते हैं अपवाद, न कि बोलते हैं रूल। तो चलिए आगे देखें हैं, आगे भी आएगा प्रोसेस, तो आगे प्रोसेस अभी इसमें देखेंगे। अब कह रहा है इसमें कि फर्स्ट चॉइस हम दे रहे हैं उनकी NX1 में 50 लोगों को नाम दे दिए हैं, पहले हमने सेकंड गलती से अलॉट कर दिया था, अब इनको हम फर्स्ट चॉइस दे रहे हैं, यही है पैनल की डिले होने का कारण शायद, मेरे अनुमान में, मेरे नॉलेज में। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है कंटिन्यूस, फिर उसके बाद है कितने कैंडिडेट का इस पैनल में अभी है, 2271 का है टोटल, 1750 आप कह सकते हैं एलपी का दिया है, 1750 कैंडिडेट में 1145 एलपी और 605 टेक्नीशियन, जिसमें टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट आप देखेंगे बिलासपुर में 914 है। उसके बाद आगे भी कह रहा है दूसरा वाला जो है उसमें 336 और 185, तो 605 और 185 अगर जोड़ देते, यहाँ से 10 और यहाँ से 9 और यहाँ से 790 लोगों का आ गया है 914 पोस्टों में टेक्नीशियन का, और एलपी का कहें 1145 और 346 जोड़ दें तो यहाँ से 1 और यहाँ से कर देंगे 6, 5, 11
और यहाँ से कहें 448 193 1 4 1 1491 914 पोस्ट आया है, 914 में 790 का टेक्नीशियन का और 1491 आया है आपका एलपी का। और अगर इसको हम अगर सही से जोड़ पाएँ तो देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है 1145 और 336, जोड़िएगा 6511 448 1 9 3 1 4 1 1491, जबकि यहाँ पे पोस्ट टोटल बिलासपुर में 1484 ही थी। 6 कैंडिडेट अभी भी इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, अब हो सकता है कुछ काउंटिंग एरर या मिस्टेक हो, इसकी हम बात नहीं कर पाएंगे। तो 1484/1491 यानी 1491 लोगों का नाम है और पोस्टों की संख्या 1484 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टेक्नीशियन में अभी पोस्ट खाली है, पेंटर वगैरह वाला होंगे। उसके बाद आप NX3 में 5 लोगों को ऐसे रखा गया है जिनको अभी कुछ मेडिकल का प्रॉब्लम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है तो विथहेल्ड में है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं देखने के बात करते हैं, कटअप के बात कर रहा है कि कटअप अलग अलग कम करके दिया गया है जो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, यहाँ हम कटअप की बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर एग्जैक्ट हम डाटा देखेंगे, टेम्पोररी अनफिट वाले भी हैं जिनको अभी बाद में कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी हम सबसे पहले चलेंगे कैटेगरी उस वाले में जहाँ पे कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि बहुत बेसब्री से लोगों का इंतज़ार था। चलिए किसी को जॉब भी मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी अभी क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी हम देखना चाहेंगे कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर याद था, अभी आपको याद हो या नहीं याद हो, हमें तो याद था तो हम याद कर रखे थे। ये रोल नंबर था शायद 668 था, 70668 था, 36 10 210 790 70 668, अगर आपको याद होगा तो ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ये कैंडिडेट रीमेडिकल के लिए बोला गया था, अगर बोला गया था कि अगर आपको एलपी रीमेडिकल का वेट नहीं करना चाहते तो टेक्नीशियन के लिए एक मेल आपको करना है, ईमेल करना है, वो बताना है। तो ये रोल नंबर आप देख लीजिएगा, यही रोल नंबर था 36 10 210 ना जिनको मिला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW। और इनका घर कहाँ है तो मैं बता देता हूँ, कारा के नज़दीक, और कारा मोड़ बोलते हैं एक्चुअली में, ये है आपका औरंगाबाद, दाऊद नगर, पटना हाईवे पे रोड जो बोलते हैं उस पे कारा मोड़ एक आती है बीच में, वहाँ इनका घर था। तो चलिए इसको हम देख लिए हैं, बाकी और एक एक करेंगे तो एक एक कैटेगरी का अलग अलग बात करने की तो ज़रूरत है नहीं, पूरा डिटेल में आ गया है, कुछ ही लोग का पोस्ट बचा है। यानी टोटल अगर कहें तो 2271 लोगों का नाम दिया है, टोटल यहाँ वेकेंसी 2398 था, अगर इसको घटा देंगे तो 127 लोगों की और पैनल में आना नाम बाकी है एज पर यहाँ डिटेल जो दिया हुआ है उसके अनुसार से। अब यहाँ पर देखेंगे ये 50 लोग वो हैं जिनको शुभ नामों से इनकी हायर प्रायोरिटी मिल गई है, पहले इनको मिला था कैटेगरी नंबर 2 में, यानी आपकी इनकी प्रायोरिटी नंबर 2 में इनको हायर किया गया है एज पर रूल। और रूल भी कहता है कि हायर ही होता है, लोअर नहीं होता है, कुछ लोग कहें हायर नहीं होता तो हायर ही होता है। अगर कोई कैंडिडेट का 0.00001% मार्क्स कम होगा तो उसके जगह पे कोई और कैंडिडेट ऊपर की तरफ आएंगे, जो मेडिकल फिट अनफिट अब्सेंट होंगे उसके जगह पे, वही कंडीशन हमने सभी आरआरबी में बोला था। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इतने लोगों को 50 लोगों का है, उसके बाद एलपी का पूरी पैनल फिर से दे दी गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। टोटल आप पैनल को नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ पैनल जाते जाएगा, और नीचे की तरफ जाते जाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कुछ यहाँ पे एक्स 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 है, वही 50 लोगों का नाम है जो चेंज वाले हैं यहाँ पे, वो कैंडिडेट पहले पाए गए थे उनका एक्स एक्स करके दिया हुआ है, और कुछ और भी कारण हो सकती है देख लीजिएगा, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे एक्स एक्स बहुत संख्या आएगा। टोटल आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की यहाँ तक समाप्त होती है, उसके बाद आपका असिस्टेंट लोको पायलट सेंट्रल रेलवे का आएगा, सेंट्रल रेलवे में कम ही पोस्टों का दिया है 356 का, तो ये आ गया। तो एक्स एक्स वाला 50 नहीं है तो ये समाप्त करते हैं, ये गलत है क्योंकि वो कैंडिडेट का है, हो सकता है किसी कारण से विथहेल्ड होगा, नीचे के कारण होगा, उस लिए एक्स एक्स किया गया है क्योंकि बीच में 3 ही एक्स था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास कैटेगरी नंबर ब्रिज है जिसमें इतने लोगों का नाम है देख लीजिएगा, 538 लोगों का नाम है। टेक्नीशियन कारपेंटर में 4 लोगों का नाम है, टेक्नीशियन CNW में एक वो कैंडिडेट भी है जिनका रीमेडिकल की प्रोसेस हुई थी, इनकी पोस्ट प्रायोरिटी अभी पता नहीं है, ये आ गया। उसके बाद अगला आपके देखेंगे तो SCR की एक कैंडिडेट आपका टेक्नीशियन क्रेन ड्राइवर में एक ही लोगों को दिया है जबकि पोस्ट लगता है ज़्यादा होगा। उसके बाद टेक्नीशियन डीजल इलेक्ट्रिकल में देखिएगा ये है, उसके बाद आप देखें
अलग अलग कैटेगरियों का है, टोटल टेक्नीशियन का आया गया है डिटेल, तो डिटेल में हम बाद में बात कर पाएंगे क्योंकि कटअप भी यहाँ दिया हुआ है, तो कटअप भी हम साथ में लेके आएंगे। और सब कैटेगरी की यहाँ लगभग लगभग 126 नंबर देखिए, 134 आपका सिग्नल का है टेक्नीशियन का, और सिग्नल टेक्नीशियन में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद आपका फिर वेल्डर टर्नर वाले आ जाएंगे, और यहाँ तक ये आपका पैनल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, जिसमें 2271 लोगों का टोटल नाम है। उसके बाद कुछ लोगों को 5 विथहेल्ड भी रखा है, जो 5 लोगों को विथहेल्ड है, कुछ का डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया है, 3 लोगों ने, उनके कारण से इनको रोका गया है, और 2 लोगों का कुछ मेडिकल का रीमेडिकल एग्जामिनेशन पेंडिंग है, उनके कारण से लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे नीचे की कंडीशन में, नीचे की कंडीशन में आप देखेंगे तो सारी एक क्लियर पैनल हो जाती है। अब एक बच गया कटअप, यहाँ पे है तो कटअप एक बार अगर देखना चाहें, कटअप तो कम हुआ है मैंने देखा है, लेकिन एक वीडियो में एनालिसिस करने में थोड़ा सा इसमें हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर देखिए LP की भी कटअप देखेंगे 72 के आसपास दिख रहा है, जो पहले से कम है। NSC में बहुत सारे पोस्ट है, टेक्नीशियन में अब एग्जैक्ट एक एक डाटा मिलाना पड़ेगा कि कौन सा का है, तो NSC बहुत सारा है, तो मान लीजिए कि जो अभी बचा हुआ है 127 कैंडिडेट, उसमें से मैक्सिमम NSC का ही होगा, जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हो गए हैं वो सारे वाला का। तो ये पूरी डिटेल है, इसको आप एक एक करके देख लेंगे कौन सा LP का कितना कटअप है, टेक्नीशियन का भी कितना कटअप है, और इसके लिए दोनों का मिलाना पड़ेगा। और यहाँ कैटेगरी ज़्यादा नहीं है, एक एक पोस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें से भी बहुत सारा देखिएगा, ट्रिमर, पाइप कटर, पाइप फिटर वगैरह वगैरह का NSC चला गया है, कई जगह वेल्डर में देखिएगा, वेल्डर वगैरह में चला गया है। तो कटअप की एनालिसिस थोड़ी देर में, NSC का देखिए फुल फॉर्म नो एलिजिबल कैंडिडेट प्रेजेंट, उसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है, बाकी कंडीशन का है, एलिजिबिलिटी आपको कह रहा है जो पहले वाला था उसी के लिए है, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है डैश दिया हुआ है वहाँ पे नो वैकेंसी है, जैसे इसको नो वैकेंसी पढ़ना है आपको कि यहाँ पे नो वैकेंसी था जिस कारण से ये कटअप लिखा है, और जहाँ पे NSC लिखा है वहाँ पे वैकेंसी थी लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं आ पाया है। तो ये अपडेट के साथ, दोनों अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपके साथ कि अगर पोस्ट प्रायोरिटी मिल जाता है तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कैंडिडेट का अपवाद रूप से पोस्ट मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि एक ही RRB में दो चीज़ मिल रहा है मेरे पास, कि पहला मिल गया है कैंडिडेट LP के लिए रीमेडिकल दिया था, टेक्नीशियन मिला है, ऐसा तो मुझे बहुत RRB में मिला है, आपको भी मिला होगा, लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी किसी का ऐसा नहीं मिला, तो पोस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कंट्रडिक्शन यहाँ ये पैदा करता है कि हायर पोस्ट प्रायोरिटी के चलते 50 कैंडिडेट को रिवाइज रिजल्ट दिया है, यानी पोस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो कैंडिडेट का यहाँ अगर इसमें नीचे की तरफ हो रहा है तो इसको हम अपवाद ही बोलते हैं। अब अपवाद किस कारण से हो रहा है, और या पोस्ट प्रायोरिटी के कारण से हो रहा है या एक्चुअल में हो रहा है, दोनों हो सकता है। मैं यहाँ दोनों चीज़ को ऐसे न रिग्रेट कर सकता हूँ, न एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।